और राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी अगर बड़े होते ऐसे समझो, सेतु पुल बन रहा था, बड़े बड़े बानर भालू पत्थर में एक में रा एक में मां लिख करके पानी पर तैरा रहे थे। राम जी ने मन में विचार किया कि जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे तो हम अगर डालें तब क्या होगा, जरा देखना चाहिए। लेकिन सबके सामने डालेंगे कहीं पत्थर डूब पड़ गया, नाक कट जाएगी। तो राम जी, हमने पढ़ा है एक जगह कि राम जी एकांत में गए एक पत्थर लेके छोटा सा, लक्ष्मण जी को हनुमान जी को सांप को छोड़ दिया कि कोई पीछे नहीं है, हम अकेले ही जाएंगे। राम जी लुकते छिपते समुद्र के दूसरे घाट पर पहुंचे, लेकिन एक जने कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़े। कौन? श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी लुकते छुपते आ गए। राम जी ने अगल बगल देखो, कोई नहीं है। और जैसे ही राम जी ने पत्थर को समुद्र में डाला, सोई डूब पड़ गया। राम जी ने यत्र तत्र देखा, किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, हनुमान जी तुम? हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप वहां हम। अरे हनुमान जी आप पीछे पीछे क्यों, आपने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले हमने कुछ छोड़ो ही नहीं, पूरा देख लो। राम जी बोले देखो देख लो, कोई देखा, किसी को बताना नहीं। राम जी बोले, हनुमान जी बोले हम तो नाच नाच के बता भी। राम जी बोले बड़े उल्टे हो, तुम्हारे स्वामी जी की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि इनके नाम के पत्थर तर रहे, पर इन्हें जो पत्थर डालू डूब पड़ गो। हनुमान जी बोले हम तो कथा कर बताएंगे, मंच लगा लगा। राम जी बोले बड़े विचित्र, किस क्यों बताओगे? हनुमान जी महाराज बोले आ हा 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 हा। हनुमान जी बोले सरकार जिसको आप छोड़ दें वो तैर कैसे पाएगा? आप जिसको नाथ छोड़ देते हो वो फिर तैर नहीं पाता, और जिसको आप पकड़ लेते हो वो तैरता नहीं तर जाता है। हुआ राम से बड़ा राम का। हाँ।